गुड इवनिंग एंड वेलकम टू नॉनसेंस टॉक लाइव। इस्तकबाल है आपका नॉनसेंस टॉक लाइव पे। आई एम वेटिंग फॉर सम पीपल टू जॉइन इन सो दैट आई कैन स्टार्ट माय लाइव। इंतजार है आप लोगों का, फिर मैं अपना लाइव शुरू करूंगा। इस्तकबाल है आपका नॉनसेंस टॉक लाइव पे। मैं कुछ और लोगों के लिए इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद मैं लाइव शुरू करूंगा। आज का मुद्दा पॉलिटिक्स का नहीं है, रिलीजन का नहीं है, इंसानियत का है। इस्तकबाल है आपका नॉनसेंस टॉक लाइव पे, मैं पल्लव घोष। आज का मुद्दा इत्तेफाकन उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मुझे पता है आप लोग सुबह से विकास दुबे के मुद्दे को देखते हुए शायद पक गए हैं, हालांकि वो मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मुद्दा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो चुका है, लिहाजा मैं उस मुद्दे पर नहीं जाता हूं। आज सुबह मेरे एक पत्रकार मित्र ने एक कमेंट किया कि जिस प्रदेश का कोई उत्तर नहीं है उसका नाम उत्तर प्रदेश कैसे है। वाकई एक मजेदार एक चुटकी थी, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट एक सवाल बार बार उठ के सामने आता है। मैं कुछ पीछे जाना चाहूंगा। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो एक खास पॉलिटिकल पार्टी का कैच लाइन था उत्तम प्रदेश, और उस चुनाव के कुछ दिन बाद जब नई सरकार आई हमने देखा कि कैसे मुद्दे सामने आए, बलात्कार, स्टॉकिंग, यहां तक कि पत्रकारों को जलाया गया। और मैं अगर और बोलूं तो शायद कुछ लोगों को लगेगा मैं फिरका परस्त मुद्दे पे जा रहा हूं, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं। लखनऊ में बच्चों की मौत, उस पर मंत्री जी का बचकाना जवाब, खैर मैं उन मुद्दों में नहीं जाता हूं। आज का मुद्दा सीधा और सपाट है, इंसानियत का है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये खबर देखी है या इस खबर को कितने मीडिया ने इसको कवर की है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से टीवी के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं। मोबाइल पे देख लेता हूं लेकिन टीवी के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं। खैर, चंद एक अखबारों ने इसको जगा दी है और उन अखबारों की मैं दहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आमतौर पे ऐसी खबरें आजकल देखने को नहीं मिलती है और यह पत्रकारिता की सबसे बड़ी त्रासदी है। खैर साहब, खबर यह है कि खबर से पहले मैं एक चीज जो सबसे अहम पूछना चाहूंगा कि क्या इंसानियत आज बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नदारत है? वाक्या दिल्ली से सटे नोएडा की है। नोएडा से ये परिवार शिकोहाबाद फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। अपने घर जाने के लिए ये बच्ची बस में चढ़ती है और 19 साल की बच्ची अंशिका यादव और यमुना एक्सप्रेसवे, जो लोग इस जगह से वाकिफ हैं, इस विसिनिटी से वाकिफ हैं, वो शायद इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। टोल टैक्स के पास इस बच्ची को बस से धकेल कर फेंक दिया जाता है, क्योंकि कुछ पैसेंजरों ने ड्राइवर और कंडक्टर को कहा था कि शायद इस बच्ची को कोविड-19 है। खैर, सो उस मुद्दे पर तो मैं बाद में आता हूं। सवाल यह है कि, और मेरा 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 मुद्दा बहुत साफ है, मैं आज ज्यादा, मतलब ना लफ्जों की खेल में जाना चाहता हूं, ना मैं ज्यादा नाटकीय किसी भाव में जाना चाहता हूं। मेरा सीधा सपाट सवाल यह है कि अगर इंसानियत इस जगह पहुंच गई है, मैं मान भी लेता हूं उसको कोविड-19 है,
ये हक कौन उस ड्राइवर कंडक्टर को देता है कि उस बच्ची को या किसी को भी बस से धकेल के फेंक दिया जाए? और उन पैसेंजरों से जो उस बस में सवार थे, जिनको लगा कि साहब ये हादसा के बाद हम तो सुरक्षित हो गए, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपके और आपके परिवार के साथ सिर्फ इस शक और शुबे के बिना पर यही किया जाए तो कैसा होगा? करना भी चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि हर उन पैसेंजरों को ढूंढ निकालना चाहिए और उनके साथ बिल्कुल यही सलूक करना चाहिए। और उस ड्राइवर कंडक्टर को तो साहब, खैर हम कुछ बोलेंगे तो कहेंगे कि मीडिया आजकल डिसीशन लेती है, लेकिन सच कहिए तो इन मुद्दों को देखने के बाद एक्टिविज्म जाग जाती है। क्या एक भी आदमी, एक भी औरत, एक भी नौजवान या नवयुवती उस बस में नहीं थी जिसको लगा कि कम से कम मैं आगे बढ़कर उस बच्ची को बचाऊं? कहां चली गई है हमारी इंसानियत? और इंसानियत की बात तो खैर छोड़ ही देते हैं, इंसानियत तो बहुत दूर की बात है। जहां एक 4 साल की बच्ची या 4 महीने के बच्ची के साथ उसका बाप बलात्कार करता है, वहां तो इंसानियत की बात छोड़ ही देते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक, जिसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, एक रिफ्लेक्स एक्शन, क्या वो भी लोगों में मर गई है? एक बच्ची को कंडक्टर ड्राइवर धकेल के फेंक देते हैं बस से, किसी से यह नहीं हो पाता है कि उस बस को रोकने के लिए कहा जाए या आवाज उठाए। COVID-19 से मरने का डर इतना ज्यादा है कि एक बच्ची को धकेल के फेंक दिया जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे के स्टोरी पे आते हैं। आगे का स्टोरी तो माशाल्लाह और भी खास है, हालांकि उत्तर प्रदेश के लिए कोई आम कोई अलग बात नहीं है। जब उसकी मां रोती बिलखती हुई मथुरा पुलिस के पास पहुंचती है तो मथुरा पुलिस यह कहकर FIR करने से साफ नकार देती है कि यह एक नेचुरल डेथ है। जी हां, इस बच्ची का आधे घंटे बाद सड़क पर मौत हो जाती है। यानी किसी भी हालत पे केस बनता है तो अनइंटेंशनल मर्डर का। खैर साहब, ये इनकी मां पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जो होता है वो तो माशाल्लाह और भी खास है। जो थाना प्रभारी था उन्होंने कहा कि ये नेचुरल मौत है, इसलिए उन्होंने FIR दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। अगर यह मुद्दा DCW चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल नहीं उठाती तो यह मुद्दा शायद दबा रह जाता। किस चीज का खौफ, किस चीज का डर है उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश महकमे को, यह तो उन्हीं को पता है। आए दिन हैवानियत के हादसे, हैवानियत के किस्से होते रहते हैं और केस बनता है नेचुरल डेथ का। जब स्वाति मालीवाल इस केस को हैंडल अपने हाथों लेती है, स्वाति मालीवाल के बारे में इतना जरूर कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो स्वाति मालीवाल को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और भगवान करे उनकी उम्र लंबी हो, क्योंकि वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखती हो, लेकिन स्वाति मालीवाल ने एक के बाद एक ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है जिससे ये कहने पे मजबूर होते हैं हम कि स्वाति मालीवाल जैसा DCW चीफ इससे पहले ना दिल्ली ने कभी देखी थी और शायद ही कभी देखेगी। क्योंकि एक ऐसी महिला जो अपने हदों से आगे जाकर कुछ करने की क्षमता रखती है, कुछ करने की हिम्मत रखती है, मुद्दों को उठाती है
और मुद्दों के पीछे दौड़ती है। यह अलग बात है वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखती है, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूं। खैर, नॉट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हैज ह्यूमैनिटी कंप्लीटली डाइड इन उत्तर प्रदेश? अ 19-year-old गर्ल इज थ्रोन अवे एंड लेफ्ट टू डाई ऑन द यमुना एक्सप्रेस वे। रीजन, सम पीपल ऑन द बस, दीज पीपल सस्पेक्ट दिस गर्ल वॉज हैविंग COVID-19 एंड द ड्राइवर एंड कंडक्टर। सी द ऑडेसिटी ऑफ दिस ड्राइवर एंड कंडक्टर। कहां से आता है यह हिम्मत इन ड्राइवर और कंडक्टरों को? सवाल और भी है, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज जब तमाम मीडिया सुबह से विकास दुबे को लेके न सिर्फ खाक छान रही है, मैं खाक छान रही है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विकास दुबे की कहानी अगर इस तरह से करनी थी तो काफी पहले करनी चाहिए थी। किसने विकास दुबे को पनपने दिया, किसने विकास दुबे को इतना आगे बढ़ने दिया, उस पर स्टोरी होनी चाहिए थी। लेकिन साहब, हमारे यहां तो ढाक के तीन पात, स्टोरी तभी बनती है जब चिड़िया चुग गई खेत। एंड अनफॉर्चुनेटली आई टू बिलोंग टू द सेम फ्रेटर्निटी, सो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इनकॉम्पिटेंस ऑफ आवर मीडिया। साहब, जब स्वाति मालीवाल इस केस को अपने हाथों लेती है तो जाहिर सी बात है वो मथुरा पुलिस से बात करती है, और उसके बाद एसएसपी मथुरा पुलिस, एसपी मथुरा पुलिस रूरल यानी एसपी देहात को यह केस सौंप देती है। सवाल यह उठता है कि आज जब तमाम मीडिया विकास दुबे के पीछे लगी हुई है, किसने इस स्टोरी को करने की जहमत नहीं उठाई कि इस स्टोरी की फॉलोअप क्या है? 2 दिन बीत गए हैं, क्या इतना मुश्किल है उस ड्राइवर और कंडक्टर को ढूंढ निकालना जो कि नोएडा से शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस चलाते हैं? क्या इतना मुश्किल है उन दोनों को ढूंढ निकालना? मैं मानता हूं कि सवारियों को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन क्या इतना मुश्किल है उन दोनों जानवरों को, उन दोनों जानवर कहने से शायद जानवरों को भी हिमाकत होती है, उन दोनों हैवानों को ढूंढ निकालना और उनको उनकी जगह पर पहुंचाना? किस चीज का इंतजार है मीडिया को? क्या विकास दुबे के साथ ये मीडिया इस स्टोरी को नहीं कर सकती थी? वैसे तो साहब, आज के अगर पन्ने उल्टे तो उत्तर प्रदेश के और भी बहुत सारी चौंकाने वाली खबरें हैं, लेकिन मैं उनमें फिलहाल नहीं जाता हूं। सवाल सिर्फ इतना है, और बार बार यह सवाल उठता है कि कब तक मीडिया टीआरपी के पीछे दौड़ती रहेगी? विकास दुबे टीआरपी है, जाहिर सी बात है, टीआरपी कमाना आज के मीडिया के लिए, गोदी मीडिया के लिए एक बहुत अहम मुद्दा बन गया है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे कहीं भी हो, क्यों, किससे आपके पास रेवेन्यू आती है? मान लेता हूं इससे आप तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं, लेकिन पत्रकारिता का कोई तो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, पत्रकारिता का कोई तो कम से कम एक उत्तरदायित्व है हमारे प्रोफेशन के खिलाफ, प्रोफेशन के लिए, माफ कीजिएगा। बस इतना ही कहना था, और एक चीज अंत में इतना कहना चाहूंगा कि यह मुद्दा बहुत खतरनाक है, यह मुद्दा बहुत सीरियस है, क्योंकि यह मुद्दा एक ट्रेंड
की तरफ उंगली उठाती है। अगर ये ट्रेंड बन गई COVID-19 के खिलाफ खौफ, बेमाने खौफ, हो ना हो आप किसी की तरफ उंगली उठाकर कहते हैं कि साहब उसको तो COVID-19 हो सकता है, फेंक दीजिए उसको बाहर, मार डालिए उसको बाहर, तो सबसे पहले तो आपके दिमागी हालत की जांच होनी चाहिए, माफ कीजिएगा, और उसके बाद जिस तरह से आप अंशिका यादव को मारते हैं उसी तरह से आपके साथ भी ऐसा ही हश्र होना चाहिए। सुनने में बुरा लगता है, सुनने में कटु लगती है, लेकिन हकीकत यही है। फाइनली बिफोर समिंग अप, इफ दिस बिकम्स द ट्रेंड फॉर वट एवर रीजन, योर फियर, योर हेट्रेड, कास्टिज्म, देन यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड बाय अ साइकाइट्रिस्ट। नंबर टू, एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी केयरफुल because this incident will certainly raise fingers at the administration during election. तब आप कहां जाएंगे जब सियासत खेलने के लिए आप दर दर भटकते रहेंगे, बंदरों की तरह हाथ जोड़े घरों के सामने, रास्तों के सामने, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी से कह रहा हूं, नजर आएंगे, तब तो शायद आपको हाथ जोड़े अंशिका के घर भी आना पड़ेगा। तब आप क्या कहेंगे कि माफ कर दीजिए, यह एक हादसा था, जागिए और इस खौफ से निकलिए, इंसानियत का थोड़ा कम से कम लिहाज करिए। इट्स इंडीड अ शेमफुल एंड बियॉन्ड कंडेमनेशन। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस आफ्टर रीडिंग दिस news which has unfortunately been reflected as snippet news in some of the national daily. But again, I thank those newspapers because these days we don't find national dailies covering regional news. We don't find regional newspapers even covering regional news. But palm grazing the political bigwigs like they are doing right at the moment on television on Vikas Dubey. I leave you with this thought for today.